नवाब अली बहादुर की स्मृति में इंदौर शहर के नेहरू स्टेडियम में चल रहे 8 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का बीते दिनों समापन हुआ, जिसमें शहर के कई स्कूलों की टीमें खेल रही थी और जमकर चौके छक्के भी बरसाए गए। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुई इस क्रिकेट प्रतियोगिता में आजाद नगर क्षेत्र के स्कूलों ने भी अपना भाग्य आजमाया। बता दें कि 4 जनवरी से 11 जनवरी तक चले इस टूर्नामेंट में आजाद नगर क्षेत्र के 6 स्कूलों ने भागीदारी की। वहीं फाइनल क्रिकेट मैच में जेम्स ऑक्सफोर्ड स्कूल और नूरानी स्कूल के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें जेम्स ऑफ शानदार पारी खेलते हुए नूरी स्कूल को पराजित कर दिया। इस दौरान जीती टीम को ट्रॉफी भी दी गई। सर, बच्चों को विशेषकर आजाद नगर क्षेत्र को स्पोर्ट्स से जोड़ने के लिए ये फ्रीडम फाइटर स्कूल की तरफ से एक बहुत बड़ी एक अनूठी पहल थी, जिसमें आजाद नगर की 6 टीमों से ये इस क्रिकेट टूर्नामेंट इन्हें आज़ाद प्रीमियर लीग के नाम से इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया और 4 जनवरी से ये 11 जनवरी तक चला और आज इसका फाइनल था, जिसमें जेम्स ऑक्सफोर्ड विनर रही है और रनर अप के रूप में नूरानी एकेडमी हाई स्कूल रही है। इसमें सर सैयद अहमद खान स्कूल, जेके मेमोरियल कॉन्वेंट हाई स्कूल और इफला एकेडमी और ये जेम्स ऑक्सफोर्ड फ्रीडम फाइटर, इस तरह से 6 टीमों ने भाग लिया है और हर रोज़ इस तरह से 3 मैच हुआ करते थे और बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ में, चूँकि ये पहली बार नेहरू स्टेडियम में एक बड़े प्लेटफॉर्म पे बच्चों को यहाँ खेलने का मौका मिला, तो ज़बरदस्त यहाँ पर डिसिप्लिन देखने को मिला। यहाँ पर बच्चों में एक टीम स्पिरिट जैसी बातें यहाँ देखने को मिली है और ज़बरदस्त टूर्नामेंट रहा और फ्रीडम फाइटर स्कूल और यहाँ तक सभी स्कूल वाले अब चाह रहे हैं कि आगे भी इसी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी हम नेहरू स्टेडियम में या बड़े प्लेटफॉर्म पे बच्चों के बीच में कराएं, ताकि बच्चों में स्पोर्ट्स के लिए एक नई मतलब जिज्ञासा उत्पन्न हो और वो कुछ नया करने की सोचें। आपका नाम? मैं अब्दुल हफीज़ खान, डायरेक्टर जेके मेमोरियल कॉन्वेंट हाई स्कूल।